पिछले दो तीन दिनों से अखबारों में खबर छप रही है, संदेह के घेरे में सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन आया। आज हम सबने फैसला किया है कि रिसर्च चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति उसकी जांच करेगी और निश्चित समयावधि में रिपोर्ट देगी। उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसे निरस्त किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट ढंग से भर्ती की जाएगी। अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, हमें संतोष है कि अभी तक किसी भर्ती पर उंगली नहीं उठी थी। लोगों के मन में यदि संदेह है तो मैं समझता हूं कि यह प्रशासन का दायित्व है कि निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच करके उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मैं फिर से एक बार एकेडमी के डायरेक्टर, अपने डीजीपी, पुलिस फोर्स के अपने सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और आज ट्रेनिंग से निकले हुए अपने बहादुर साथियों को भी शुभकामना देते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। पिछले दो तीन दिनों से अखबारों में खबर छप रही है, संदेह के घेरे में सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन आया। आज हम सबने फैसला किया है कि रिसर्च चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति उसकी जांच करेगी और निश्चित समयावधि में रिपोर्ट देगी। उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसे निरस्त किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट ढंग से भर्ती की जाएगी। अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, हमें संतोष है कि अभी तक किसी भर्ती पर उंगली नहीं उठी थी। लोगों के मन में यदि संदेह है तो मैं समझता हूं कि यह प्रशासन का दायित्व है कि निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच करके उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मैं फिर से एक बार एकेडमी के डायरेक्टर, अपने डीजीपी, पुलिस फोर्स के अपने सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और आज ट्रेनिंग से निकले हुए अपने बहादुर साथियों को भी शुभकामना देते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। पिछले दो तीन दिनों से अखबारों में खबर छप रही है, संदेह के घेरे में सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन आया। आज हम सबने फैसला किया है कि रिसर्च चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति उसकी जांच करेगी और निश्चित समयावधि में रिपोर्ट देगी। उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसे निरस्त किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट ढंग से भर्ती की जाएगी। अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, हमें संतोष है कि अभी तक किसी भर्ती पर उंगली नहीं उठी थी। लोगों के मन में यदि संदेह है तो मैं समझता हूं कि यह प्रशासन का दायित्व है कि निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच करके उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मैं फिर से एक बार एकेडमी के डायरेक्टर, अपने डीजीपी, पुलिस फोर्स के अपने सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और आज ट्रेनिंग से निकले हुए अपने बहादुर साथियों को भी शुभकामना देते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।